हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नेक्स्ट रन लाइफ। वेल, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शो के बारे में जो कि हाल ही में ही शुरू हुआ है, लेकिन जिस तरीके से उस शो में स्टोरी दिखाई जा रही है, जिस तरीके से स्टार कास्ट मेहनत कर रहे हैं और उनकी एक्टिंग लाजवाब है, उसको देखते हुए फैंस के हमें ढेर सारे कमेंट्स आए हैं जिसमें उन्होंने अपने फेवरेट शो के बारे में बहुत ही प्यार भरी बातें लिखकर हमें भेजी है और साथ ही साथ ये भी बताया है कि शो को टीआरपी लिस्ट में अच्छी पोजिशन पे होना चाहिए और कहीं ना कहीं इन शो में जो जोड़ी दिख रही है उनको भी बहुत ही प्यार भरे नाम दे दिए गए हैं। तो चलिए बताते हैं आप सभी को कि आखिर कौन सा है वो शो। तो आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं आज यहाँ पर द वेरी पॉपुलर और मजेदार शो गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। जी हाँ, हाल ही में शुरू हुए इस मजेदार शो ने जो व्यूवर्स है, जो फैंस है, उनके दिलों में एक बहुत ही स्पेशल जगह बना ली है। जी हाँ, वो इसलिए क्योंकि हम बता दें आप सभी को, आपके जो ढेर सारे कमेंट्स मिले हैं उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि आप इस शो से और खास करके इस शो में दिखने वाली बहुत ही क्यूट जोड़ी से कितना प्यार करने लगे हैं। जी हाँ, शो में नजर आ रही हैं बहुत ही क्यूट एक्ट्रेस कनिका मनन। बता दें आप सभी को, कनिका मनन जो है वो पंजाबी वीडियोस में नजर आ चुकी हैं। जी हाँ, उन्होंने ढेर सारी पंजाबी वीडियोस में काम किया है, चाहे डांस की बात कर ले। और सबसे इम्पोर्टेंट और खास बात तो ये है कि कनिका ने पंजाबी सीखी है। जी हाँ, पंजाबी सीखने में बहुत मेहनत लगती है और कनिका मनन ने इसमें बहुत हार्डवर्क किया है और पंजाबी जो कह सकते हैं बहुत ही पंजाबी से वो बहुत रिलेटेड है और कहीं ना कहीं वो खुद को बहुत लकी भी मानते हैं कि वो पंजाबी जो इंडस्ट्री है उससे जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं अब जो वो इंडस्ट्री से जुड़ गई है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आपकी जानकारी के लिए यही बता दें कि कनिका मनन ने एनटीवी के शो बड़ो बहू से टीवी इंडस्ट्री में डेब्यू किया। जी हाँ, उस शो में प्रिंस नरोला के साथ नजर आई थी, काफी छोटा रोल था उनका, लेकिन उस शो में उन्हें नहीं बचाना गया क्योंकि जिस तरीके का उनका लुक दिया हुआ था वो काफी अलग था, बॉयकट में और डिफरेंटली लुक में उनको देखा गया था। लेकिन जब अब उनको ये गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा शो मिला है, इस शो में वो गुड्डन का रोल प्ले कर रही है और सबसे खास बात यह है कि मेन लीड में नजर आ रही है कनिका मनन, जो कि सबसे खास बात है। अगर आप मेन लीड में आ जाती है तो आपको एक अलग ही फैन फॉलोइंग, एक अलग ही पॉपुलैरिटी मिलती है और अपनी एक्टिंग से कनिका ने सबको साबित कर दिया है कि वो कितनी ज्यादा टैलेंटेड एक्ट्रेस है। वही सबसे पहला हम कमेंट पढ़ लेते हैं जो हमने प्रोग्राम के जिसमें बताया था आपको कि कुंडली भाग्य से ज्यादा जो है गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा वो पसंद कर रहे हैं, लेकिन खबरों के माने तो कुंडली भाग्य को नंबर 2 पोजीशन मिली हुई है टीआरपी लिस्ट में एज पर द रिसोर्सेस। लेकिन हमें इसी प्रोग्राम में आप सभी ने ढेर सारे कमेंट्स भेजे हैं, तो चलिए उन कमेंट्स पे पढ़ते हैं। और सबसे पहला कमेंट पढ़ते हैं जो भेजा है शायला ने, वो लिखती हैं गुड्डन एजे इज बेस्ट जोड़ी, यानी कि कनिका और निशांत मलकानी जो नजर आ रहे हैं शो में अक्षत का रोल प्ले कर रहे हैं, यानी कि ससुर का रोल प्ले कर रहे हैं। और हर कोई जो भी ये शो देखता है वो सबसे पहले यही पूछता है कनिका मनन को देखते हुए, यानी गुड्डन को देखते हुए कि क्या यही है सास, क्योंकि इतनी यंग दिखने वाली और इतनी खूबसूरत और इतनी चुलबुली सी दिखने वाली जो है वो रोल प्ले कर रही है यंगेस्ट सास का, जो काफी इंटरेस्टिंग है। कहीं ना कहीं इस चीज की वजह से भी इस शो की टीआरपी बहुत अच्छी होनी चाहिए और होगी भी इन फ्यूचर माशाल्लाह। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों की जो भी जिस तरीके से आप प्यार कर रहे हैं इस जोड़ी को, इस शो को, तो कहीं ना कहीं टीआरपी लिस्ट में इस शो का आना बनता है और बना भी हुआ है, लेकिन अच्छी पोजिशन पे आना बनता है। तो चलिए आप दूसरा कमेंट पढ़ लेते हैं जो कि भेजा है एमओ दानिश ने, भेजा है गुड्डन इज द बेस्ट सीरियल और गुड्डन बेस्ट शो है। महक लिखती हैं गुड्डन बेस्ट शो है, राजू लिखते हैं अक्षर। जी हाँ, अक्षर से आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो बता दें आप सभी को ये बहुत ही प्यार भरा नाम है। जैसा हमने आपको बताया था कि बहुत सारे नाम मिलते हैं हर जोड़ी को जिसमें बहुत ही क्यूट क्यूट नाम देते हैं आप लोग, तो उसी में ही हमने बताया था आप सभी को का निशांत भी दिया था और अब एक और नाम जो है वो है अक्षर, यानी कि जिस तरीके से अक्षत और गुड्डन का एन जो आता है उसमें कहीं ना कहीं राजू ने उसको मिक्स कर कर ये नाम दे दिया है, जो कि बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए अगला कमेंट पढ़ते हैं जो भेजती हैं प्रीत सैनी, लिखती हैं आई लव यू सो मच कानिशांत, बहुत ही प्यारी जोड़ी है कानिशांत की, आउटस्टैंडिंग ब्यूटीफुल जोड़ी, बेस्ट शो फॉर एवर, जी टीवी का सबसे अच्छा शो माना जा रहा है इसको। वैसे बता दें आप सभी को, जी टीवी पर ही टेलीकास्ट होता है कुंडली भाग्य और कुमकुम भाग्य भी, लेकिन कहीं ना कहीं गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा को इन दोनों ही शो से पसंद किया जा रहा है। वेल, क्या इसके पीछे की वजह क्या है वो तो आप ही लोगों को पता होगा, लेकिन जिस तरीके से स्टोरी टेलिंग है, जिस तरीके से इसमें बोरियत नहीं है, अलग अलग चीजें दिखाई जाती हैं, डायलॉग्स में कुछ ना कुछ बदलाव
पास किए जाते हैं, और खासकर जिस तरीके से कनिका मानव निशांत की एक्टिंग है वो कहीं ना कहीं बाकी के लोगों से बहुत ज्यादा अलग लगती है, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं फैंस जो है कमेंट बॉक्स के जरिए बताते हैं किस तरीके से वो निशांत और कनिका को इतना प्यार इतना सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए अगला कमेंट पढ़ते हैं जो भेजती है नसरीम, उन्होंने लिखा है गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा इज द बेस्ट शो। वेल कहीं ना कहीं प्रिंस सैनी भी यही लिखती है गुड्डन बेस्ट शो है, गुड्डन का मुकाबला भी नहीं कर सकता है कोई। वेल ये लिखा है प्रिंस सैनी ने, जो कि कहीं ना कहीं लग रहा है कि बहुत बड़ी फैन है गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा की, और उनका जो ये कमेंट है कि कोई भी इससे टक्कर नहीं ले सकता है, कोई मुकाबला ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं अभी जब हम बात कर रहे हैं कुंडली और कुमकुम की तो कहीं ना कहीं गुड्डन को लोग आगे देख रहे हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे नागिन 3 की तो हमें कमेंट्स में नागिन 3 के सपोर्टर्स ज्यादा दिखते हैं, वो ज्यादा कमेंट करते हैं नागिन 3 को। लेकिन फिलहाल हम बात कर लेते हैं इसी की, तो गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा कि फैन फॉलोइंग भी किसी शो से कम नहीं है, इसको बहुत पसंद किया जा रहा है और इसकी स्टोरी जो है वो बहुत ही अप्रिशिएट की जा रही है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैं जितने भी स्टार कास्ट हैं काफी मेहनत करते हुए नजर आते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत भी है। चलिए अगला कमेंट पढ़ते हैं, तो डिंपल सुबह लिखती है नागिन 3। वेल इन्होंने दिखा दिया है कि कुछ भी हो नागिन 3 का नाम तो आना ही आना है, क्योंकि जिस तरीके से नागिन 3 हर तरीके की स्टोरी है, यूं कहें इतनी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इतनी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखाता है वो, कि फैंस जो हैं बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं और कहीं ना कहीं वो एक भी एपिसोड मिस नहीं करना चाहते हैं नागिन 3 के, क्योंकि हर दिन कुछ नया हर दिन कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है इस शो में। लेकिन वही हम बात कर रहे हैं फिलहाल तो गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा कि उसमें भी आप सभी को कुछ नया और कुछ इंटरेस्टिंग ही देखने को मिल रहा है, कुछ नयापन है, कुछ नई चीजें हैं जो कि जो व्यूवर्स होते हैं उनको भी देखने का मन करता है, उन्हें अच्छा लगता है। और कुछ अगर कोई स्टोरी नई दिखाई जा रही है, कुछ जो एक्टर्स हैं कुछ एक्ट्रेसेस हैं जो कि कुछ नया कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं व्यूवर्स जो होते हैं उस चीज से कनेक्ट रहने की कोशिश करते हैं, जो कि नागिन 3 और गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा और भी कई सारे शोज जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कुछ नया दिखाने की। चलिए अगला कमेंट पढ़ते हैं जो लिखती है प्रियंका मोहंता, बहुत ही बड़ा कमेंट है, हम इसको जल्दी शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। लिखा है इन्होंने कुंडली भाग्य को ऑफ एयर होना चाहिए, उस शो से बहुत ज्यादा अच्छे दूसरे टीवी शोज हैं, और कभी नहीं होता है कि बहुत ही फालतू सा शो है, ऐसे बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी रखी हैं। प्लीज बहुत ही एक शो का नाम भी मेंशन करा है इन्होंने, इन्होंने लिखा है आपके आ जाने से प्लीज देखें, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि फैन है आपके आ जाने से देखे की, और बता रही है सबको देखने के लिए, और कहीं ना कहीं उन्हें कुंडली भाग्य नहीं पसंद है। वेल कोई भी शो बेकार नहीं होता, सब अच्छा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस शो की टीआरपी इसलिए भी अच्छी क्योंकि जो फैंस होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं, कुछ कुंडली भाग्य को पसंद करते हैं कुछ नहीं पसंद करते हैं, तो कोई गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा पसंद करते हैं, लेकिन हर शो की अलग अलग फैन फॉलोइंग है, अलग अलग पॉपुलैरिटी है। नेक्स्ट कमेंट पर पढ़ते हैं जो कि लिखा है हसीन खान ने, आपके आ जाने से बेस्ट ड्रामा है, मतलब कि आपके आ जाने से भी जी टीवी का ही शो है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं लोग जो है कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं और इस शो की फैन फॉलोइंग भी कहीं ना कहीं है। अगला कमेंट पढ़ते हैं, खुशी रावत लिखती है आपके आ जाने से भी बेस्ट है, महक सेक लिखती है कुमकुम कुंडली बकवास शो है। वेल कुंडली और कुमकुम भाग्य को जिस तरीके से दिखाया जा रहा है बहुत ही टीआरपी लिस्ट में अपनी अच्छी पोजीशन तो बना रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं जब कमेंट्स में बात आती है तो लोग जो है अपना सपोर्ट दिखाते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग जो है नहीं भी दिखाते हैं। वहीं अगला कमेंट पढ़ते हैं, तो खुशी रावत ने लिखा है कुंडली भाग्य इज द बेस्ट शो। डिंपल सुबह लिखती है एजे, कहीं ना कहीं हर एक कमेंट में हमें देखने को मिला है कि गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा बहुत ही पॉपुलर शो है, उसकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ही ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। वेल अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा टीआरपी लिस्ट में अपनी एक खास जगह बना पाता है या नहीं, और टॉप 5 या फिर टॉप 3 में आ पाता है नहीं, क्योंकि जिस तरीके से हमें कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके से इसकी फैन फॉलोइंग पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, चाहे जोड़ी की बात हो चाहे बाकी के स्टारकास्ट की बात हो, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बस अब इंतजार है तो ये कि जल्द से जल्द टीआरपी लिस्ट में एक अच्छी पोजीशन पे आए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, और इसकी जिस तरीके से लोग इसे प्यार सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे ही करते रहे। लेकिन आपको कैसा लगा हमारे आज का खास प्रोग्राम जरूर बताइए कमेंट बॉक्स के जरिए, क्या आपको भी लगता है गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा को टीआरपी लिस्ट में टॉप 3 या टॉप 5 में होना चाहिए, और किसी शो को आप चाहते हैं कि वो टीआरपी लिस्ट में जल्द से जल्द ऊपर आए, तो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स के जरिए अपने फेवरेट टीवी शो के बारे में। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम के साथ।